हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर यार जो हम करने जा रहे हैं वो फाइव कॉमन ग्रामेटिकल या ग्रामर मिस्टेक्स करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो मैंने एक पहले भी बनाई थी जिसमें मुझे बहुत सारे बच्चों के सजेशंस मिले थे कि सर आप प्लीज ऐसी वीडियोस और बनाइए जिससे हम अपनी ग्रामर इंप्रूव कर सके। कि सर हम पूरी ग्रामर तो नहीं पढ़ पाते, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हो, ट्रिक्स हो जिसको पढ़ के हम अपनी ग्रामर इंप्रूव कर सके। तो उन्हीं सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैंने ये नई वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो पहली वाली भी वीडियो देख सकते हो और ये वाली वीडियो के बाद आप चलो वो पहली वाली वीडियो भी देख लेना और इसके बाद हम कुछ अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक करेंगे। अब फ्रेंड्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऐसी है वो जाने ना अनजाने किसी से भी हो जाती है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, कोई भी कर सकता है, इवन मुझसे भी हो जाती है समटाइम्स। तो लेकिन हमारा पर्पस ये है कि यार ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट हम वो वाली मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। सो इस वीडियो को मेरा बनाने का बस पर्पस यही है कि आपकी जो कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना यार, जो डेली लाइफ में आपकी यूज होती है, वो आपकी थोड़ी सी ठीक हो जाए ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश में कोई गलती ना हो। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स हम आगे जाए, मैं आपको यार बता देता हूं हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है। यार पेनड्राइव कोर्स बिल्कुल आप परचेज कर सकते हो। अगर आप क्वांट का कोर्स खरीदना चाहते हो, ये सौरभ सर ने पूरा बनाया है, इसके अंदर अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री सब कुछ है और जिसकी फीस 6000 रुपीज है, जहां 6000 की फीस सब कुछ इंक्लूसिव है, आपके घर तक ये डिलीवर करा जाएगा। वर्बल का कोर्स यार मैंने बनाया है, इसके अंदर पूरे आरसीज, ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ है, इसकी फीस 5000 रुपीज है और अगर आप इसका कॉम्बो लेना चाहते हो तो वो 10000 रुपीज का। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या है कि अगर आप कैट और एनमैट के अलावा बाकी के एग्जाम्स दे रहे हो जिनमें जीके आती है तो उसका भी हमारे पास कोर्स है जिसकी फीस 4000 रुपीज है, पेनड्राइव कोर्स 4000 रुपीज का है। और अगर आपको एलआरडीआई में प्रॉब्लम हो रही है कि यार अब तो कैट का एग्जाम आ चला, मेरा एलआरडीआई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आशीष सर का एक बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से जिसमें वो थॉरली एलआर और डीआई करवाएंगे। ठीक है, जिसमें आपकी लाइव क्लास होगी, इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए और एक सिस्टम चाहिए, आप अपने फोन में भी देख सकते हो, और जिसकी फीस 4000 रुपीज है और जिसमें 20 क्लासेस है और जिसमें आशीष सर पूरा एलआरडीआई कैट के पर्पज से स्पेसिफिकली, और भी एग्जाम्स के लिए भी, लेकिन स्पेसिफिकली कैट के पर्पज, कैट और जैट के पर्पज के लिए एलआरडीआई करवाएंगे। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के एंड में मैं हमारा अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उसको देख के ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली ग्रामेटिकल मिस्टेक है फ्यूअर और लेस। इसमें क्या होता है, जहां हमें फ्यूअर यूज करना होता है वहां हम लेस यूज कर देते हैं और जहां लेस यूज करना होता है वहां हम फ्यूअर यूज कर देते हैं। कैसे, सबसे पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। फ्यूअर कब यूज होता है, फ्यूअर यूज तब होता है जब नाउन काउंटेबल हो, यानी कि जब हम चीजों को इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम किसी कमोडिटी को काउंट नहीं कर सकते तब हम यूज करेंगे लेस। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी सच एज सैंड, वॉटर, कॉटन। ठीक है, इसके साथ आप नहीं यूज, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो वहां हम यूज करेंगे लेस। ठीक है, कैसे, सबसे पहले कह रहा है वो, देयर आर लेस केक्स नाउ। अब फ्रेंड्स, केक्स है, ब्रेड नहीं है ये, ब्रेड हम नहीं काउंट कर सकते, लेकिन केक्स हम काउंट कर सकते हैं, तो केक्स हम काउंट कर सकते हैं, तो यहां लेस नहीं आएगा, यहां आएगा फ्यूअर। या फिर 10 आइटम्स और लेस, अगर 10 आइटम्स है तो ऑब्वियसली आपने उनको गिन लिया यार, 10 है तभी तो आप उसको गिन पाए, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 10 आइटम्स और फ्यूअर। ठीक है, या फिर लेस सैंड। अब फ्रेंड्स, सैंड को हम नहीं गिन सकते, सैंड अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए लेस सैंड, लेकिन सैंड के तीन, सैंड के कणों को हम जरूर गिन सकते हैं, ऑल्दो गिनना मुश्किल है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट फैक्ट कि गिनना, गिन पाओगे या नहीं गिन पाओगे, गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको आप गिन सकते हो, वो मिट्टी के कण आप गिन सकते हो, इसलिए फ्यूअर ग्रेन्स ऑफ सैंड। नेक्स्ट रेफरेंस देन और देन, इसमें कई बच्चे इंटरचेंज कर देते हैं इनको। देन फ्रेंड्स हमेशा यूज होता है कंपेरिजन के लिए, इसको याद करने का क्या तरीका है, देन में आ रहा है ए और ए का क्या मतलब होता है, एनदर, तो यानी कि देन में आप क्या करते हो, एक चीज को एनदर चीज से कंपेयर करते हो। और देन, देन का क्या मतलब होता है, देन का मतलब होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, इसके बाद क्या हुआ, देन इसके बाद क्या हुआ, समथिंग फॉलोइंग समथिंग एल्स इन टाइम, एज इन स्टेप बाय स्टेप, और प्लानिंग अ शेड्यूल कि यार फर्स्ट वील गो देयर, देन वील गो देयर, देन वील हैव डिनर ओवर देयर, तो सब चीजें वो बता रहे। फॉर एग्जाम्पल, She was better at it than him. अब ये गलत हो गया, ये कंपेरिजन की बात कर रहा है कि वो बेटर है,
तो यहाँ पे देन आना चाहिए. इट वॉज मोर देन इनफ. देन इनफ नहीं हो सकता, इट वॉज मोर देन इनफ. या फिर शी वॉज बेटर. हाँ ये ही यहाँ पे इन्होंने बोला है. ठीक है. और देन के तो फ्रेंड्स आपको सेंटेंसेस पता ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल बहुत ईजी है, वी विल गो टू दैट प्लेस. ठीक है, एक्स वाई जी, देन वील गो फॉर डिनर. ठीक है, यानी कि उसके बाद हम डिनर पर जाएंगे. उसके बाद है फ्रेंड्स जो 90% बच्चे, 90% लोग इंडिया के अंदर स्पोकन इंग्लिश में गलती करते हैं, एनी वेज और एनी वे. फ्रेंड्स मैं आपको आज बहुत क्लियर कर देता हूं कि यार एनी वेज नाम का कोई शब्द नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. करेक्ट वर्ड इज एनी वे. बहुत सारे एटलीस्ट मतलब 80-90% लोग आज भी एनी वेज ही बोलते हैं, जबकि एनी वेज बिल्कुल गलत है. एनी वेज कोई वर्ड ही नहीं है. तो प्लीज यार कभी भी एनी वेज मत बोलना, इट्स ऑलवेज एनी वे. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल एनी वे बैक टू माई कंसर्न. अरे चलो एनी वे बैक टू माई कंसर्न. जूली से जूली ने कहा चलो कोई बात नहीं अब मेरे कंसर्न पे. आई विल फाइंड आउट एनी वे. मैं ढूंढ तो लूंगा इसको, बट यू कुड हैव सेव्ड अस बोथ सम टाइम इफ यू टेल मी नाउ. मैं ढूंढ तो लूंगा ही, लेकिन हम दोनों का टाइम बचता अगर तुम मुझे अभी बता देते. तो हम कभी भी एनी वेज नहीं बोलेंगे, हम हमेशा एनी वे बोलेंगे. उसके बाद होता है फ्रेंड्स मिसप्लेस्ड और डैंगलिंग मॉडिफायर्स. इसमें क्या होता है, आप सेंटेंस इतना अजीब तरीके से लिख देते हो कि एक्चुअली उसकी सेंस ही बदल जाती है. फॉर एग्जाम्पल वाइल वॉकिंग ऑन दी साइड वॉक मैरी फाउंड अ स्पार्कली गर्ल्स ब्रेसलेट. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब साइड वॉक पर चल रही थी तो मैरी को क्या मिला, स्पार्कली कोई गर्ल थी उसका ब्रेसलेट मिला, जो कि गलत है. एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहे हैं, स्पार्कली गर्ल के लिए नहीं है, मॉडिफाई गर्ल को नहीं करा, स्पार्कली ब्रेसलेट के लिए था. तो इसकी करेक्ट होना क्या चाहिए था, मैरी फाउंड अ गर्ल्स स्पार्कली ब्रेसलेट, ना कि स्पार्कली गर्ल्स ब्रेसलेट. वो गलत हो जाएगा. वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में कि गर्ल स्पार्कली थी. अब गर्ल स्पार्कली नहीं हो सकती, ब्रेसलेट स्पार्कली होगा. या फिर फॉर एग्जाम्पल द वेटर वॉज सर्विंग ड्रिंक्स इन अ ब्लू ड्रेस. अब इसको पढ़ के क्या समझ आ रहा है, वेटर ने नहीं ब्लू ड्रेस पहनी थी, ड्रिंक्स ने ब्लू ड्रेस पहनी थी. अब फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ड्रिंक्स ब्लू ड्रेस पहने, क्योंकि ब्लू ड्रेस नियर है ड्रिंक्स के, इसलिए ड्रिंक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं ना कि वेटर को. तो आप क्या बोलोगे, द वेटर इन अ ब्लू ड्रेस वॉज सर्विंग ड्रिंक्स. नेक्स्ट लूज और लूज. अब फ्रेंड्स ये दोनों वर्ड्स है जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. एल ओ एस ई की जगह एल डबल ओ एस ई लिख देते हैं और एल डबल ओ एस ई की जगह एल ओ एस ई लिख देते हैं. तो इनका आज कंफ्यूजन खत्म करते हैं. लूज का क्या मतलब होता है, जो ये पहला एल ओ एस ई वाला है फ्रेंड्स, ये आया है लॉस्ट से. ठीक है, लॉस लूज लॉस्ट मतलब लॉस्ट का इसका आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि लॉस्ट में भी सिंगल ओ आता है और लूज के अंदर भी सिंगल ओ आता है. तो यानी कि लूज का क्या मतलब है कि जब आप हार जाओ या जब आप कोई चीज मिसप्लेस कर दो, आपसे खो जाए. और एल डबल ओ एस ई का क्या मतलब होता है, समथिंग जो टाइट नहीं है. ठीक है, टाइट का ऑपोजिट होता है ये वाला लूज. तो इस वाले लूज को आप याद रखो, या लॉस्ट में सिंगल ओ आता है, लॉस्ट का मतलब होता है खोना, तो उसी लिए लूज उसमें भी सिंगल ओ ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक वी आर गोइंग टू लूज दी गेम, यानी कि आप हारने वाले हो. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एल डबल ओ एस सी लिख देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा. उसका मतलब होता है नॉट टाइट. या फिर आई हैव स्पेशल कंपार्टमेंट इन माई बैग टू मेक श्योर आई डोंट लूज माई कार कीज, की मैं अपनी कार की कीज खो ना दू. यहाँ पे भी खोने के सेंस में तो एल ओ एस सी ई आएगा. हर ड्रेस वॉज टू लूज, अब यानी कि वो टाइट नहीं थी, सो शी ट्राइड ऑन अ स्मॉलर साइज. तो यहां पे वो टाइट के सेंस में कह रहा है, तो इसलिए एल डबल ओ एस सी. तो फ्रेंड्स ये थी यार कुछ पांच कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आई हो और आप इसको फ्यूचर में रिपीट ना करो. अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप पेनड्राइव कोर्स या एल आर टी आई बैच में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और आपको डिटेल सेंड कर दी जाएंगी कि आप कैसे एनरोल कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, स्टडी हार्ड स्टडी वेल, गॉड ब्लेस यू.